ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कल की मार्केट में क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखना है, जब भी 34,540 के पास अगर प्राइस रेंज होता है, अपसाइड ब्रेकआउट हो या डाउन साइड ब्रेकआउट हो, 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पर अगर रेंज होता है, तो अपसाइड एंड डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, दोनों तरफ आपको एंट्री मिल सकता है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट ओपन होने के बाद अगर बुलिश जाता है, ठीक है, बुलिश जाता है और फिर इसके बाद रेंज होता है, और रेंज होने के बाद अगर डाउन साइड मोमेंटम होता है, तो आपको यहाँ पर आपको सेल मिल सकता है, बट अपसाइड में थोड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कंप्लीटली बेरिश है आज। ओके, कंप्लीटली ग्लोबल मार्केट बेरिश है, तो अपसाइड मोमेंटम नहीं हो पाएगा। एंड अगर यहाँ पर 34,800 के आसपास, 34,800 या 34,750 के आसपास अगर रेंज होता है, तो फिर से आपको एक सेलिंग करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ओके, और फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर रेंज होना स्टार्ट हुआ, ओके, 34,580 एंड 34,540 के आसपास अगर रेंज होता है, यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट होगा तब भी आपको बाय आपको एंट्री मिलेगा, डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तब भी आपको एंट्री मिलेगा। तो दोनों केस में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस यहाँ पर बना हुआ है निफ्टी बैंक का। ओके, और आज की मार्केट में, आज मॉर्निंग वीडियो मैंने आपको बताया था इस प्री ओपन वाली वीडियो में, कि आज आपको सेल करना है। ओके, क्योंकि मार्केट क्या था, सेलिंग के लिए पर क्लियरली यहाँ पर FIA ने सेल किया था, और प्लस ग्लोबल मार्केट क्या था, बेरिश था, तो सेलिंग अच्छा खासा स्टार्ट हुआ, और आप देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग, सिर्फ 1 घंटे तक मार्केट यहाँ पर अप डाउन कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यू मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। ओके, कंटिन्यू मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, जो कि अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिला होगा निफ्टी में एंड प्लस बैंक निफ्टी में। आप देखिए कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, तो आपको अच्छा खासा आज के दिन आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मॉर्निंग वीडियो को आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट जरूर बनाएंगे। ओके, प्लस मैंने भी यहाँ पर कुछ ट्रेड लिया था, थोड़ा बहुत ट्रेड लिया था, और क्योंकि मोबाइल से मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, क्योंकि चार्ट दिखाई देता नहीं, वो छोटा छोटा चार्ट दिखाई देता है, तो उसमें समझ में बहुत कम आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने एक ही लॉट से ज़्यादा ट्रेड किया, 1,500 का हमने यहाँ पर बुक किया था प्रॉफिट। यहाँ पर मैंने बाय किया था, क्योंकि मॉर्निंग में डेटा क्लियर था, तो इसीलिए मैंने बाय कर लिया था। ओके, क्यों बाय किया था, यहाँ पर रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्योंकि प्रो ट्रेडर क्या था, दोनों तरफ से पोजिशन हेज किया था। ओके, यानी 1,23,000 एंड 2,51,000 यहाँ पर शॉर्ट किया, और 1,23,000 को बाय किया था। इसका मतलब ये कि मॉर्निंग में अगर मार्केट बुलिश हुआ, तो अगर सपोर्ट कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, तो मार्केट अगेन बाउंस होगा अपसाइड के लिए, तभी जाके डाउन साइड के लिए मूवमेंट होगा। तो सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ, ओके, तो तभी हमने यहाँ पर बाई कर लिया था, और जो कि हमको प्रॉफिट हो गया था, ठीक। और मैंने इस इंडेक्स डेटा को क्लियर आपको समझा दिया था कि मार्केट क्यों बाइंग है, क्यों सेलिंग है। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, बेनिफिट आपको जरूर होगा। ओके, बात कर लेते हैं निफ्टी में, निफ्टी में कल क्या हो सकता है। निफ्टी में आपको ध्यान रखना है, हर 40 पॉइंट या 50 पॉइंट के बाद आपको बायर्स एंड सेलर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स आपको फाइंड करने हैं, और ये रहा स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया, ठीक। तो प्राइस क्या है, सेलर्स एरिया से रिजेक्ट है, एंड ये रहा स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया, ठीक है। तो इसे 30 मिनट पर अगर आपकी समझाता हूँ मैं आपको, तो स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन है। ओके, एंड अगेन ये डिमांड जोन एंड ये रिजेक्शन। ओके, तो प्राइस ये स्टॉप हुआ है रेजिस्टेंस लेवल, तो प्राइस अगर प्राइस मॉर्निंग में मोमेंटम करता है, ठीक है, 50 पॉइंट या लगभग 60 पॉइंट के आसपास मोमेंटम करता है, यानी 15,990 या 15,970 के बाद अगर रेंज होता है यहाँ पर, रेंज होने के बाद अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है, तो इसमें अच्छा खासा आपको बाइंग मिल सकता है, ठीक है। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तो आप इग्नोर कीजिएगा, अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है 15,950 के ऊपर। ओके, 15,950 के ऊपर, 15,950 या 15,990 के आसपास। ओके, तो 40-50 पॉइंट आपको देखना है, 40-50 पॉइंट के अंदर अगर रेंज होता है प्राइस, आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, ठीक है। सेलिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, सेलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंस पॉइंट ध्यान रखना है, कि मार्केट क्या होनी चाहिए डाउन, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट कल थोड़ा सा बेरिश गैप डाउन ओपन होता है, और उसके बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड मोमेंटम करता है, फिर जाके अप, फिर थोड़ा करेक्शन होता है, करेक्शन होने के बाद अगर यहाँ पर 15,850, 870, 880 यानी 40 से 50 पॉइंट के बीच में अगर यहाँ पर रेंज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि पहले मार्केट डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, उसके बाद रेंज होता है और डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, तो फिर से आप यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फिर से आप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, और आपको जरूर प्रॉफिट होगा, करेक्ट। अगर यहाँ पर 15,880 या 15,850 के बीच में अगर यहाँ पर अगर रेंज होने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अपसाइड में थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क हो सकता है। ओके, अपसाइड के लिए आपको 15,900 के ऊपर देखना है, करेक्ट है, 15,990 के ऊपर, 15,950, 15,990 के आसपास रेंज होता है, तब जाके अपने को यहाँ पर
अपॉर्चुनिटी फाइंड करना फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है। मैं कुछ भी कोई यहाँ पर आपको रॉकेट साइंस नहीं बताता हूँ, और ना ही मैं इस ग्रुप में कोई ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसको आप ना समझ सकें। और बस शर्त इतना है कि आप में और हमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क इतना है कि आप कोई और स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, मैं कोई और स्ट्रेटेजी को यूज़ करता हूँ। ओके, मैं जो स्ट्रेटेजी को यूज़ करता हूँ सिंपल, मैं की ले बस एंड पुल बैक पे ही एंट्री करता हूँ। ओके, तो मेरा ये सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ की लेवल फाइंड करना है, पुल बैक एंट्री करना है। ओके, सिर्फ दो ही मेरे पास स्ट्रेटजी है, और इसी स्ट्रेटजी के बेस में पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम को रन करता हूँ अपने इस कोर्सेस में और बताता हूँ। और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिसमें वो सेटअप ना बने, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिसमें आपको सेटअप ना मिले। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एंट्री पैटर्न्स हैं जो कि आपको फाइंड करना होता है, और इजिली आपको मिल भी जाते हैं, और इजिली आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके, आप प्लस अगर आप कुछ और देखना चाहें, मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट का परफॉर्मेंस वगैरह देखना चाहें, तो ये देख सकते हैं कि लगभग 25,000 इन्होंने बुक किया है, तो ये स्टूडेंट ही है, बाकी और लोग भी यहाँ पर हैं जिन लोगों ने भेजा नहीं है स्क्रीनशॉट, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो सिंपल दो ही स्ट्रेटेजी आप मैं फॉलो करता हूँ। आपको इंडिकेटर वगैरह अगर आप फॉलो करते हैं, इंडिकेटर का यूज़ करना बंद कर दीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ इंडिकेटर से कोई बेनिफिट नहीं होता है। ओके, जहाँ तक मेरा मानना है कि इंडिकेटर से कोई बेनिफिट नहीं होता है, कभी कभी बेनिफिट होगा, कभी कभी लॉस देगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन पे वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। करेक्ट है दोस्तों, तो दो पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने बता दिया दोनों पॉइंट्स को। एंड अगर आप ऑप्शन चैन एनालिसिस अगर आपको आता है ऑप्शन चैन एनालिसिस, तो आप ऑप्शन चैन एनालिसिस देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर अगर आपको ऑप्शन चैन एनालिसिस नहीं आता है, तो सिंपल कॉल एंड पुट एंड फ्यूचर को फॉलो करके आप ट्रेड निकाल सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ मॉर्निंग वीडियो में आप सभी को, और वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। ओके, इंडेक्स कॉल को समझ जाइए, इंडेक्स पुट को समझ जाइए, फ्यूचर को समझ जाइए, प्लस ग्लोबल मार्केट को समझ जाइए बस। और इतना ही आपके लिए, बस इतना ही आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर लिखा भी हूँ साफ साफ, डेली फोकस मार्केट सेंटीमेंट, सेंटीमेंट में आपको फॉलो करना है इंडेक्स डाटा एंड ग्लोबल मार्केट। स्ट्रेटेजी के लिए जो आपको फॉलो करना है की लेवल एंड पुल बैक, बस इतना ही का गेम है फ्रेंड्स। ओके, यही पूरा का पूरा गेम है जो आपको प्रॉफिटेबल बना देता है। करेक्ट है, ज़्यादा कुछ आपको कुछ जानकारी नहीं चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉर्निंग वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, 8 बजे मैं अपडेट कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।